मौसम जिस तरह से बदल रहा है तो लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, खासकर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो। मौसम पर हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश और कोहरा, यानी कि वहां बर्फबारी। हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचे इलाके हैं और मैदानी इलाकों में देखा जाए तो बर्फबारी नहीं होगी, बारिश होगी और बर्फबारी होगी हिमाचल उत्तराखंड में। बिल्कुल, और अगर बात की जाए हिमाचल और उत्तराखंड की, जो पर्यटक हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दीदार करने पहुंच रहे हैं उनके लिए भी अब मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता को लेकर भी समस्याएं काफी सामने आ रही है, बल्कि पिछले काफी समय से ये सामने आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि इस समय प्रशासन कितना सतर्क है, इस अलर्ट से प्रशासन लोगों को कितनी सुविधाएं दे पाता है। तो मौसम पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने सचेत कर दिया है। और चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा, पंजाब की बात की जाए तो इन मैदानी इलाकों में बरसात आज से लेकर कल तक हो सकती है, यानी दो दिनों तक बरसात हो सकती है। और उसके बाद कोहरा यानी फॉग भी आपको दिखाई देगी, जो खासा मुश्किलें पैदा करते हैं, खासकर वाहन चालकों के लिए। अगर बात खेती बाड़ी और बागवानी की जाए तो ये बारिश जहां मैदानी इलाकों में एक वरदान बनकर किसानों के खेतों में बरसेगी, वहीं बात हिमाचल प्रदेश में अगर की जाए या उत्तराखंड में की जाए, बागवानी क्षेत्र जैसे कि सेब के बागीचे हो गए, बादाम के बागीचे या फिर अखरोट को लेकर बात की जाए, उसके लिए भी ये बारिश वरदान मांगी गई है। लेकिन आम लोगों के लिए समस्याएं कम होने का नाम इस बारिश के चलते और इस खराब मौसम के चलते बिल्कुल भी नहीं होगी। देहरादून से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। और नासिर, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, जो अलर्ट जारी किया गया था वो 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक किया गया था, आज 12 तारीख हो चुकी है। और हालांकि अभी जो मौसम है वो ऐसा नहीं है कि बारिश होना शुरू हो गई हो, लेकिन कुछ एक इलाकों में मौसम ठंडा हो चुका है, यानी टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर या दोपहर बाद तक बरसात शुरू हो जाए। नासिर, उत्तराखंड जी नासिर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अपने मौसम के लिए ही उत्तराखंड सबसे अलग माना जाता है, मौसम कभी भी यहाँ बदल जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर तैयार है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि अगर बारिश होती है या पूर्वानुमान जो जताया गया था बारिश का, बर्फबारी का अगर होती है तो बहुत ज्यादा होगी, ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी, क्योंकि जो पर्वतीय जनपद है वहां पर कई जगहों पर बर्फबारी या बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके बाद जो तमाम जो स्थानीय निवासी उनका चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार तैयार है और इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो आपदा प्रबंधन विभाग ने कर रखे हैं, इसको लेकर भी लगातार तैयारियां चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से पूर्वानुमान जताया गया था, हालांकि अभी उतनी बारिश या बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर बर्फबारी आज होती है तो कहीं ना कहीं जो मौसम का जो पूर्वानुमान जताया गया था 11 से लेकर 13 दिसंबर तक वो आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज 12 तारीख हो चुकी है और कल 13 है, यानी अगर आज देर रात तक भी बारिश शुरू हो रही तो 13 और 14 को भी बारिश हो सकती है और बर्फबारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन, आपने मौसम को लेकर जानकारी दी उत्तराखंड से। अब हिमाचल का मौसम क्या कहता है इसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे धर्मशाला से हमारे संवाददाता मनोज धीमान, फोन लाइन पर ये भी मौजूद है। मनोज, किस तरह का मौसम आप धर्मशाला और हिमाचल में देख पा रहे हैं? बिल्कुल कमल, देखिए दो दिन से लगातार मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ था, लेकिन आज जैसे ही सुबह हुई है तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं जो हिमाचल के कई हिस्से हैं वहां बारिश भी हुई है, साथ ही साथ जो पहाड़ हैं धौलाधार के वहां पर बर्फबारी भी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र जो है आज कहीं ना कहीं ठंडे मौसम में शुरू होगा और राजनीति की गर्माहट जो है आज तापमान को बढ़ा सकती है। मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिस हिसाब से अगर मौसम को लेकर बात की जाए, हर साल के मुताबिक इस साल भी क्या कुछ गांव ऐसे हैं जो प्रशासन की नजर से छिप जाएंगे और वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मैं किन गाँव की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो गांव पिछड़ जाते हैं उन पिछड़े गांवों पर प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां प्रशासन की नजर नहीं जाती या प्रशासन नहीं पहुंच पाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो छोटा बंगाल और बड़े बंगाल के गांव हैं जहां पर लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हो जाता है, साथ
तो ऐसे गांव है जहां प्रशासन की पकड़ नहीं है और फिलहाल आशा ये भी जताई जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन इस बार जो है इन पिछड़े गांवों की ओर भी रुख करेगा और इन गांव की देखभाल भी। मौसम के लेकर अपडेट आप देते रहिएगा मनोज जमान, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। पूजा वर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी है, चंडीगढ़ में बारिश सुबह देखने को मिली थी। पूजा वर्मा फिलहाल मौसम के हालात क्या है? बिल्कुल कमल, देखिए बताना चाहूंगी कि मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया था उसमें कहा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचली क्षेत्रों में यानी कि मैदानी क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी। हालांकि अगर आज की बात करें तो आज इतनी बारिश नहीं होगी लेकिन 13 तारीख की जो संभावना है मौसम विभाग की वहाँ तेज बारिश की संभावना है जिससे तापमान जो है दोपहर के तापमान की अगर बात करें जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा, वहीं रात के तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं इसके अलावा कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार भी जो है मौसम विभाग ने जारी किए थे, तो ऐसे में मौसम में आज से ही तब्दीली देखी जा रही है। हालांकि कल भी जो है हवाएं चल पड़ी थी और ठंड ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन आज से जो है बारिश शुरू हो जाएगी जिस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल पूजा, जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि मौसम की ये तब्दीली चंडीगढ़ वासियों के लिए वरदान होगी या फिर सौगात लेकर आएगी या फिर आफत बनकर बरसेगी? बिल्कुल देखिए दीपशिखा, चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो हमेशा से ही ये देखा गया है कि पहाड़ों में यदि बर्फबारी होती है तो सबसे पहले असर जो है चंडीगढ़ में ही पड़ता है क्योंकि नजदीकी है, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि ना ज्यादा खेती बाड़ी का है या लोग ज्यादा बाहर भी इतना ठंड में नहीं निकलते लेकिन हाँ बारिशें पड़ने से कहीं ना कहीं जब तापमान लुढ़कते हैं तो ये आफत जरूर बनती है कुछ लोगों के लिए या जिन लोगों ने ऑफिस जाना होता है या जिन्होंने कहीं बाहर निकलना होता है। तो ऐसे में छात्रों के लिए अगर स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें या जिन्होंने ऑफिस जाना है उनके लिए आफत जरूर बन सकती है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि क्रिसमस से पहले पहले ठंड नहीं हो रही है तो अब जो है ठंड पड़नी शुरू हो चुकी बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए वेंडर्स की जिन्हें 15 सेक्टर में जगह दी गई थी वो भी काफी सवाल कर रहे थे कि अगर मौसम खराब हो जाता है तो उनका क्या होगा। प्रशासन के सौरभ ये देखना होगा कि क्या तैयारी रहती है क्योंकि प्रशासन तमाम दावे कर रहा था। बिल्कुल दीपशिखा, उनकी यही एक समस्या थी और जिसको लेकर वो बार बार ये कह रहे थे कि जहां उन्हें वेंडिंग जोन में बिठाया गया है वहां पे कोई छत नहीं है क्योंकि जहां वो पहले बैठते थे अगर बारिश पड़ती थी या किसी भी तरह की मौसम में तब्दीली होती थी तो वो दुकानों के अंदर चले जाते थे, मार्केट के अंदर चले जाते थे, लेकिन अभी जहां वो बैठे हैं वो खुले में है, ऐसे में उनका सामान खराब होने की जो है संभावना है। तो इसकी ओर से जब हम वहां गए थे, साइट का दौरा भी किया था, तो वहां पे कोई पुख्ता प्रबंध नहीं थे, तो आज वहां जाकर अगर देखेंगे तो शायद वो आज अपनी दुकानें ना लगा पाए जिससे कहीं ना कहीं उनका नुकसान जरूर होगा। प्रशासन ने शायद इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है, उन्होंने मौसम की मार इन स्ट्रीट वेंडर्स पर पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा वर्मा आपने जानकारी दी मौसम को लेकर। तो लाहौल स्पीति की फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह का मौसम लाहौल स्पीति में है ये तस्वीरों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा जानकारी दें कि मौसम 11 से 13 दिसंबर तक इस तरह का रहने वाला है, जो पहाड़ी के ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला, अक्सर यहाँ पर सर्दी के मौसम में 6 महीने तक लोग दुनिया से कट जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम जन की मुश्किलों का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं और ये सड़क नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बर्फ की नुकीली दीवार से खड़ी हो चुकी है जो कि काफी ज्यादा घातक होती है सैलानियों के लिए या फिर जो लोग इस रोड से गुजरते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ पर झील और झरने तक भी जम चुके हैं। हिमाचल उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बेशक आकर्षक आपको ये तस्वीरें दिख रही हो लेकिन जाहिर तौर पर जो स्थानीय निवासी हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये तस्वीरें ऐसी हैं जिस तरह से देखी जा सकती हैं कि बर्फ भी जमी हुई है, पानी भी यहाँ पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बर्फ का ही पानी है जो पिघल कर जाता है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है लाहौल स्पीति में और हिमाचल के इलाकों में, खासकर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ भी देखा गया है कि लोग अपनी परेशानियों को भी बयां करते नजर आते हैं। यहाँ बड़ी भारी ठंड है जी, पानी जम रहा है, चलने फिरने की दिक्कत हो रही है, सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है जी। अब दुकानदारी तो करना ही पड़ेगी, काम धंधा करके तभी हम पेट पालेंगे। पानी जम रहा है जी, चलने फिरने की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी लाने की पानी की पाइपें भी जम गई है जी
और पानी लाने की बड़ी भारी दिक्कत हो रही है जी। मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता कुल्लू से फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मौसम को लेकर जानकारी लेते हैं। मनीष, कुल्लू मनाली में मौसम क्या कहता है? कमल, देखिए मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यहाँ पर बारिश का जो क्रम है वो अब शुरू हो चुका है। पहाड़ी जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हल्की शुरू हो चुकी है और निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है। जनजाति जिला लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पारा है वो शून्य से नीचे चला गया है और जितने भी नदी नाले हैं और जो पानी के स्रोत है वो जमना शुरू हो गए। जो ठंड का प्रकोप है वो वहाँ पर अब शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो इससे परेशान है और ठंड ने जो अपना प्रकोप है वो दिखाना शुरू कर दिया है। जी जी मनीष, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे रोहतांग दर्रे की स्थिति फिलहाल मौजूदा अभी क्या है, और लाहौल स्पीति की या कुल्लू की अगर बात की जाए, क्योंकि रोहतांग दर्रा काफी ज्यादा अहम है दोनों ही जिलों के लिए और पर्यटकों के लिए। इसके अलावा जहां ये मौसम ठंड बढ़ा रहा है वहीं प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल दीपिका, जिस तरह मौसम जो खराब हो रहा है तो जो रोहतांग दर्रा है वो भी बंद हो चुका है। हालांकि बीआरओ की तरफ से उसको 5-6 बार पहले खोला जा चुका था, लेकिन अब फिर से जो मौसम खराब हुआ है तो रोहतांग दर्रा एक बार फिर से बंद हो चुका है। और जिस तरह ठंड बढ़ रही है तो प्रशासन के जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मढ़ी और कोकसर के पास जो बचाव चौके हैं वो पहले स्थापित कर दी गई है और लोगों को आने जाने के लिए अगर किसी ने भी जाना है तो प्रशासन की अनुमति के बाद ही रोहतांग दर्रा पार करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने पैदल भी रोहतांग दर्रा धूप के समय पार किया था, लेकिन अब जिस तरह मौसम खराब हुआ है तो जो जनजाति जिला लाहौल स्पीति है वो कहीं ना कहीं अब देश और दुनिया से कट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष ठाकुर, आपने जानकारी दी मौसम को लेकर। जैसा कि दीपशिका भी कह रही थी और मनीष ठाकुर भी कहते हैं, नजर आया कि लाहौल स्पीति अब देश दुनिया से कट जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी होती है सर्दियों में और यह अक्सर होता है, हर साल होता है और इस बार भी ऐसा हुआ है। तस्वीरों ने बता दिया है कि किस तरह का मौसम हिमाचल में उत्तराखंड में है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर ने भी कहा था कि यहाँ पर बर्फ जमना अब शुरू हो चुकी है, तो ये बर्फ लोगों के लिए आफत बनकर भी जम रही है और प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ा रही है।